प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मान्य श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो शीर्षक है हमारा, जिस पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो शीर्षक बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से जुड़ा हुआ है, जिसको इकाई द्वितीय से अध्याय द्वितीय से ऊष्मा गतिक द्वितीय विषय के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, एक खास, एक महत्वपूर्ण जो सूचना और खास अहम बात आप सभी के लिए जरूरी भी है, मेरा सवाल भी है आप लोग, आप सभी स्टूडेंट से, कि यदि मेरा आप सब सवाल है कि ऊष्मागतिकी के कुल कितने नियम होते हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों जो आप लोगों का जो जवाब होता है कि ऊष्मागतिकी के कुछ दो नियम बताते हैं, कुछ तीन नियम बताते हैं, कुछ और बताते हैं, मैं आपका सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऊष्मागतिकी के कुल चार नियम होते हैं, जिसमें प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है, तृतीय नियम होता है, उक्त के अलावा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम भी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मेरी बात जो है उसको ध्यान से सुनिएगा, जो ऊष्मागतिकी से जुड़ा हुआ है। सामान्यतया इस विद्यार्थियों के दिमाग में जो भ्रांति होती है कि ऊष्मागतिकी के कुछ दो नियम बताते हैं, ऊष्मागतिकी के कुल तीन नियम बताते हैं, जबकि सत्य यह है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ऊष्मागतिकी के कुल चार नियम होते हैं। संक्षिप्त में ऊष्मागतिकी के कुल नियमों को मैं संक्षिप्त में दोहरा देना चाहता हूं। प्रथम जो नियम होता है ऊष्मागतिकी का, श्याम पट्ट पर मैंने अंकित कर रखा है, विगत व्याख्यान में मैंने बताया था, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित होता है। द्वितीय नियम जो होता है ऊष्मागतिकी का, एंट्रोपी धारणा से संबंधित होता है। सैद्धांतिक रूप से ब्रह्मांड की एंट्रोपी, जिसको रूपांतरित रूप में अव्यवस्था कहा जाता है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी का मान बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे ब्रह्मांड की एंट्रोपी का मान उत्तरोत्तर वृद्धि होता जा रहा है, इससे गणितीय सूत्र डी एस इज बराबर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। विगत व्याख्यानों में हमने जो है इसको विस्तार से चर्चा की थी, आवश्यक व्यंजक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अभिक्रियाएं सामान्यतः हमने प्रतिपादित की थी। आज हम जिस महत्वपूर्ण नियम को प्रतिपादित करने जा रहे हैं वो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। आने वाले व्याख्यानों में जो है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम भी हम कक्षा कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे, जो तापमान को परिभाषित करता है। लेकिन फिर से मैं आप सभी के एक महत्वपूर्ण जो है एक आप सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण बात, एक प्रमुख अभिग्रहित आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। ऊष्मागतिकी के कुल चार नियम होते हैं, शून्य नियम होता है, संक्षिप्त में कुल नियम ऊष्मागतिकी के चार होते हैं। ये दिमाग में से दूर कर लेना आपके, ऊष्मागतिकी के कुल कितने नियम होते हैं, ऊष्मागतिकी के कुल चार नियम होते हैं। शून्य नियम होता है जो तापमान से संबंधित होता है, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित होता है, जो डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित होता है। तीसरा वाला जो नियम है हमारे पास में जो है वो जो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम होता है, जो एंट्रोपी की परिभाषित करता है। और अंतिम जो हमारे पास में नियम है, लेकिन आज का जो नियम है वो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहता है। प्रिय विद्यार्थी, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के 10 एकदम ठीक व्युत्क्रम जो है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम होता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी का मान यानी कि अव्यवस्था का मान उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ जा रहा है, जबकि यदि हम थोड़ा बहुत जो है परिस्थितियों में अवस्था चरों में यदि हम तब्दीली करें, परिवर्तन करें, और यदि हम परम शून्य तापमान पर जो है पूर्ण शुद्ध ठोस क्रिस्टलीय को यदि हम प्रयोग में ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एंट्रोपी का मान शून्य होता है, अर्थात जो है अव्यवस्था का मान जो है शून्य होता है। हर चीज, हर वस्तु, हर पैरामीटर, हर ऊष्मागतिक राशि जो है व्यवस्थित होती है। पुनः ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार अव्यवस्था यानी कि एंट्रोपी का मान उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन यदि हम, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, परम शून्य विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ प्रयोग में ले जाए और एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन की ओर संपन्न करें, ऐसी स्थिति में एंट्रोपी परिवर्तन का मान जो होता है शून्य होता है। इसको मैंने जो है एक परिवर्तन के माध्यम से, ऊष्मागतिक परिवर्तन के माध्यम से श्याम पट्ट पर अंकित किया है, जिसमें एस जो है, एस का मतलब सॉलिड, एस का मतलब सॉलिड, ए जो है पदार्थ है, इस पर 0 केल्विन तापमान पर जो है अगले वाली जो अवस्था जो ठोस से जुड़ी हुई है, इसका ताप टी केल्विन
किया जाता है, दाब जो है स्थिर कॉन्स्टेंट होता है। ऐसी स्थिति में मैक्स प्लैंक के अनुसार जो एक महत्वपूर्ण समीकरण होती है, एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस बराबर एस टी माइनस एस जीरो बराबर जीरो टू टी सी पी अपॉन टी डी टी के होता है। प्रिय विद्यार्थियों, तीन तरह की एंट्रोपी हमारे पास में जो है उक्त समीकरण में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर डेल एस जो है एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। एस टी और एस जीरो के बारे में बता देता हूँ आपको। एस जीरो हमारे पास में जो है, यहाँ पर मैंने श्याम पट्ट पर लिखा है, एस जीरो जो है हमारे यहाँ पर जो है इसमें देखेंगे शून्य एंट्रोपी को दर्शाता है, एस टी जो है तृतीय एंट्रोपी को दर्शाता है, इसको निरपेक्ष एंट्रोपी भी कहा जाता है, और डेल एस जो है एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाता है। फिर से तीन हमारे पास में प्रतीक एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है, डेल एस एंट्रोपी परिवर्तन को दर्शाता है, एस टी देखेंगे आप यहाँ पर श्याम पट्ट पर मैंने जो लिखा है ये जो है तृतीय नियम की एंट्रोपी को दर्शाता है, निरपेक्ष एंट्रोपी को दर्शाता है, एस जीरो जो है शून्य एंट्रोपी को दर्शाता है। मैक्स प्लैंक के अनुसार जो है, मैक्स प्लैंक ने 1913 में यह प्रतिपादित किया कि शून्य एंट्रोपी का मान जो होता है शून्य होता है, और अंत में हमारे पास में जो फाइनल अंतिम जो समीकरण प्राप्त होती है एस टी बराबर जीरो टू टी सी पी अपॉन टी डी टी, इसको तृतीय नियम ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के समीकरण मूलभूत समीकरण कहा जाता है, जहाँ पर सी पी स्थिर दाब पर जो ऊष्मा धारिता को सुपरिभाषित करता है। आने वाले समय में हम समीकरण नंबर दो जो कि ऊष्मागतिकी का प्रमुख महत्वपूर्ण जो है तृतीय नियम के महत्वपूर्ण समीकरण है, सैद्धांतिक समीकरण है या गणितीय समीकरण है, आने वाले समय में इस पर से जुड़े हुए विस्तार से जो है गणितीय मान हम प्रस्तुत करेंगे। थैंक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।